हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? ये हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक है। तो देखेंगे हम कि आपके पर्सन आपसे आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ है उनके दिल में, क्या कुछ है उनकी फीलिंग्स, क्या कुछ है उनके इमोशंस जो कि वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है? तो ये हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट आज के रीडिंग के टॉपिक का। और इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, पाम रीडिंग लेनी है या कुंडली रीडिंग लेनी है, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए जिनको, वो लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं, ठीक है? और इसके साथ ही जिनको ये रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट चाहिए, ठीक है, रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट और ये जो स्टोन है करियर के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, वो उसके लिए जो है आप लोग कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं, ठीक है? और ये जो जो भी मेरे पास ये स्टोन्स वगैरह जो भी आप लोगे उसको मैं चार्ज करके दूंगी। जैसे कि ये लोटस है, इसको भी अगर आप लोग लेते हो तो इसको मैं चार्ज करके दूंगी, ठीक है, जिससे कि आपको जो है रिज़ल्ट मिले। और ऐसे ही अगर स्टोन ले लेते हो कहीं से, अमेज़ॉन से, फ़्लिपकार्ट से, लोग बोल रहे हैं कि अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से भी तो मिल रहा है मैम, तो वो लोग वो मिलता है लेकिन वहाँ का मैं नहीं जानती वो लोग कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है? लेकिन हम लोग को जो है, मैं आपके सिचुएशन के अनुसार से, सिचुएशन को समझ के, आपके नाम को लेकर के, है ना, आपके एनर्जीज को फील करके, मैं एनर्जी से आपकी ही चार्ज करके आपको दूंगी, ठीक है? तो इस ये बेनिफिट है, ठीक है? लेने को तो आप कहीं ले सकते हो, लेकिन अगर इसका बेनिफिट ना मिले तो फिर लेके क्या करोगे, है ना? तो वहाँ से लो जहाँ से आपको बेनिफिट मिले, है ना? तो यही है कि बेनिफिट इसका मिलेगा आपको, आप इसको ले सकते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हो, और ये स्टोन भी, ठीक है? तो जो भी लोग लेना चाहते हैं बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द मैजिशियन, वेरी नाइस। प्लीज गाइड कीजिए। द चैरियट, जस्टिस, और देख लेते हैं कार्ड्स। डेविल, द फूल। चलो इतने कार्ड्स आ गए मेरे पास, अब हम निकालेंगे कुछ टैरो के द्वारा भी कार्ड्स। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स, कितना प्यारा चेहरा इसमें, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसमें हम मरते हैं। प्लीज गाइड कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। चलो देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है, फाइव ऑफ कप्स। सो मैं ऐसा बोलूँगी जैसे कि आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं, ठीक है? तो इमोशनल मत होना, रोना नहीं, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक? क्योंकि जो कार्ड्स है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत अकेला हो गए हैं, अकेलापन फील हो रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा उदासी है, बहुत परेशानी है, कहीं किसी से बात करने का मन नहीं करता, कभी कहीं से एकदम से अकेलापन महसूस होता है मुझे,
मैं आपके बगैर खुश नहीं हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी जैसे उदास सी हो गई है, मेरी ज़िंदगी जैसे कि एकदम से, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी नहीं आएगा जब मैं इतना उदास, इतना परेशान और इतना ज़्यादा खुद को अकेला पाऊंगी या पाऊंगा। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या कहूँ आपसे, तकलीफ़ तो बहुत है, इतना प्यारा सा रिश्ता, इतना ज़्यादा, इतना इमोशंस, हम दोनों एक दूसरे से इतना जो कनेक्ट थे, हम दोनों का रिश्ता जो इतना अच्छा था, अचानक से इतनी ख़राब सिचुएशन में कैसे आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। अचानक से ये जो हम दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट आ गया है, हम दोनों ही एक दूसरे से जो अलग हो चुके हैं, वो अचानक से ऐसे कैसे हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ में आता, जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत अकेलापन फील होता है, बहुत परेशानी फील होती है, एकदम से लगता है जैसे कि अचानक से दुनिया बदल गई, अचानक से क्या से क्या हो गया, ऐसा मुझे फील होता है। अचानक से क्यों इतना ज़्यादा बर्डन, इतनी ज़्यादा तन्हाई, इतनी ज़्यादा परेशानी। फैमिली हम दोनों के बीच में, फैमिली की वजह से, देखो ना, फैमिली की खुशियों की वजह से हम दोनों को ये दर्द और ये तकलीफ़ सहना पड़ रहा है। ये तकलीफ़ ही कुछ ऐसी है, कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा मुझे बेचैनी होती है। और ये जो मैं बर्डन उठाते उठाते मैं जो परेशान सा हो गया हूँ ना, अकेलापन जो हो मुझे, ये अकेलापन मुझे लगता है जैसे कि मुझे मार ही डालेगा। ये जो तकलीफ़ है, ये जो बर्डन है ना, मैं काफ़ी टाइम से उठा रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। अब हिम्मत में हार रहा हूँ, लग रहा है जैसे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, और वो मोटिवेट मुझे आप करते थे, बट क्या कर सकते हैं, अब आप भी तो मेरे साथ नहीं ना। रिश्ते टूटते से चले गए, और रिश्ते कुछ इस तरीके से टूटे कि हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने रास्ते पे निकल गए। आप भी उदास थे, मैं भी उदास, मैं भी परेशान, बट जो वो दिल में तकलीफ़ है ना, जो वो दिल में दर्द है ना, मैं शायद किसी से कह पाऊँ। बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहा हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ, मैं कहीं से खुश नहीं हूँ। मैं तो रात में रोता भी हूँ, मुझे रात में रोना भी आता है बहुत। मैं आपसे इन दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, नहीं हो पा रहा मुझसे, मैं नहीं कर पाता। ये जो दर्द है, ये जो सिचुएशंस है ना, इनको फेस करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। आपके साथ ना होना बहुत तकलीफ़दायक है मेरे लिए। मैं नहीं जानता कि इस रिलेशनशिप में फिर से मैं दोबारा आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, लेकिन जब भी आपकी याद आती है मुझे रुला के जाती है, और ये यादें ना कसम से बहुत तकलीफ़ देती हैं, बहुत 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 तकलीफ़ देती हैं। शायद कभी प्यार ही नहीं हुआ होता, वो बेहतर होता। आपसे कभी जुदा होने का वो गम ही नहीं होता, प्यार ही नहीं होता तो। लेकिन प्यार तो था ना, प्यार तो मैं करता था आपसे, करती थी आपसे, अभी और अभी भी करता हूँ या करती हूँ। अपने करियर, अपने फाइनेंस पे वर्क करने के बाद, ठीक है, अगर मुझे अपने, मैं कितना भी बिज़ी रहता हूँ, माइंड में आप आ जाते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है मेरे सामने, जहाँ पे वो आपकी यादें, वो आपका
आपसे रिलेटेड वो हर एक बात मुझे खींच लाती है। मैं नहीं कह पाता अपने दिल के दर्द को, मैं अपनी तकलीफ़ को किसी से नहीं कह सकता। मैं मुस्कुराता हूँ, अगर कोई आपकी बात करता है मैं मुस्कुराता हूँ, अच्छा लगता है मुझे सुन के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भी मिलता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी तो हमारी बातें भी नहीं हो रही है, और शायद आप मुझसे बातें भी ना करो कभी, क्योंकि मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसे ही हो गई हूँ, शायद आप उनसे बात करना पसंद ना करो। किसी तीसरे के कारण से लगाई हुई आग में हम दोनों जल उठे, हम दोनों ही जल गए, ना मैंने समझा ना आपने समझा, हम दोनों ही एकदम से अलग हो गए, हम दोनों। कुछ तो समझा होता, मैंने नहीं समझा तो आपने तो समझा होता, काश आपने भी मुझे रोका होता। लेकिन उस वो आग ही ऐसी थी कि मैं आपको भी ब्लेम नहीं कर सकता, वो आग ही ऐसी थी कि हम दोनों के दिल में लगाई गई और हम दोनों अलग हो गए, ना मैंने आपको समझा ना आपने मुझे समझा, और ये निगेटिविटी हम दोनों के अंदर इस तरीके से समा गई कि हम दोनों को तोड़ कर के रख दिया। शायद ये हमारा कर्मा था, शायद ये हमारा कर्मा ही था कि हम दोनों को इतना दर्द और इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, शायद। लेकिन अब मैं आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, हमेशा। मैं तो आपके लिए दुआ मांगता हूँ, मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाए, और इस तरीके से हम दोनों एक हो कि हमें कोई जुदा ना कर पाए, हमें कोई अलग ही ना कर पाए, ऐसा कोई ना हो। मुझे बहुत रियलाइजेशन होता है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, मुझे बहुत बहुत रियलाइजेशन होता है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। ये जब रियलाइज़ होता है ना, मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मैंने एक हंसते हुए चेहरे को रुला के रख दिया, उसके चेहरे पे वो दर्द ला के रख दिया, जो दर्द सहना बहुत मुश्किल था, और इस तकलीफ़ को, इस दर्द को उस वक्त मैंने नहीं समझा। आपने मुझे बहुत कॉल किया, मैसेज किया, से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं ही पागल था यहाँ पे, मैं ही आपसे कह नहीं पाया। लेकिन अब जो है ना, सच में मैं आपसे एकदम से चाहता हूँ कि रिलेशन बने हमारा, मैं न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ आपके साथ, चाहता हूँ कि जल्दी से हम दोनों एक हो जाएं, जल्दी से हम दोनों का कनेक्शन बन जाए, हम दोनों एक हो करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है ना, बहुत सक्सेसफुल हो। मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं जीना ही नहीं चाहता आपके बगैर, कसम से अब नहीं जीना चाहता आपके बगैर। तो क्या आप मुझे एक चांस दोगे, एक मौका, जिससे मैं अपनी गलती को सुधार सकूं, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं, माफ़ करो नहीं करो पता नहीं, पर चाहूँगा ज़रूर कि आप मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। इतना तो मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे अभी भी उतना ही प्रेम करते हो जितना कि पहले करते थे, उतना ही प्रेम। मैं शायद उस लायक नहीं हूँ, और उस लायक पता नहीं, लगता है जैसे कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, आपसे दूर जा करके, आपको अपने आप से दूर करके मैंने इतनी ज़्यादा गलती की है, इतनी ज़्यादा चीज़ें क्रिएट की हैं, इतना ज़्यादा कुछ बोला है आपको। मैं गलत था, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। सो
ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अब कुछ 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 गाइडेंस, ठीक है, आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, इस पर्सन को मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके मन में मौका, आपके मन में चल रहा होगा ना कि हाँ इस पर्सन को क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, है ना। चलो देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। तेरे बिना जीना सपा हो गई है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको नई डायरेक्शन को चूज करना है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, कंफ्यूज मत रहो, अपने न्यू अपने लिए एक नया डायरेक्शन चूज करो, ठीक है। और यहाँ पे वेट का कार्ड आ रहा है, वेट करो, डिवाइन आपको कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे सिंबल्स देगी, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें दिखाएंगी आपको कि आपको पता चलेगा कि हाँ आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। इस पर्सन के लिए क्या करना है, इस पर्सन को क्या करना है, ये आपको बताया जाएगा। नो नीड टू वरी, ठीक है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, ठीक है। टेंशन लेना बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा गलत काम है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस की सुनो और आपकी इंट्यूशंस आपको क्या गाइड कर रही हैं, क्या कुछ बता रही हैं। ये जो है ना मुझे नज़र आ रहा है कि देखो मैं यही कहूँगी, ठीक है, यही कहूँगी कि आप अपने इंट्यूशंस की सुनो और जो आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन के लिए, वही आपको करना चाहिए, ठीक। सो मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। सो रीडिंग को अब हम करेंगे ख़त्म, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।